उपमंडल जोगिंदर नगर के ग्राम पंचायत तलकेहड़ के अंतर्गत सतैन में वीरवार देर रात को चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोर बाइक की हेडलाइट मीटर उखाड़ के ले गए हैं। इससे पहले भी चौधरा में क्षेत्र के कई दुकानों, सड़क किनारे खड़े वाहनों के टायर, पेट्रोल, वाहन चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं, जो चिंता का विषय है। जानकारी देते हुए वाहन के मालिक संदीप ठाकुर ने बताया कि करीब रात 12 बजे वह घर पहुंचे थे। तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जब सुबह बाइक लेने गए तब बाइक की हेडलाइट मीटर सब गायब था और नंबर प्लेट जमीन में पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चौतरा क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। स्थानीय निवासी योगराज ने पुलिस प्रशासन से भी अपील की है कि इस तरह के कार्य करने वालों पर नकेल कसी जाए। वहीं पुलिस चौकी चौतरा प्रभारी यशपाल सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया व आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से आगाह रहने की अपील की है व किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही है। मैं संदीप ठाकुर, ग्राम पंचायत तलकेड़ से वार्ड नंबर 2 से हूँ, यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। सर, यहाँ पर जो है रात को मतलब मैक्सिमम पहले से ही चोरियाँ हो रही हैं। कभी गाड़ियों के तेल निकाल दे रहे थे, कभी कुछ सामान लेके जा रहे हैं, मतलब मेरा अपना खुद का पर्सनल ट्रैक्टर है उसका तेल निकाल दिया, कभी मतलब कुछ भी सामान है वो चोरी हो रही है। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ें जो है हमने अब उसके ऊपर इग्नोर नहीं किया। जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती है, मेरी होती है, मेरी पड़ोसी की होती है, अगर जिस गाड़ी का टैंकी फुल होगी वो सुबह के लिए वो खाली हो जाती है। अच्छा, आज रात को मैं मतलब 12 बजे यहाँ पहुँचा, थ्रेसिंग का सीज़न चला हुआ है, गेहूँ का सीज़न चला हुआ है, मैं रात को 12 बजे यहाँ पहुँचा तो मैंने टैकेट लगाया, मैंने अपनी बाइक चेक की, बाइक बिल्कुल सही थी, स्थिति में थी। उसके बाद ही जब मैं सुबह उठा तो मतलब मेरे पड़ोसी ने मेरे को बोला कि तेरी बाइक का जो है ऐसा ऐसा अगला वाला हेडलाइट और विद मीटर जो गायब हो चुका है। तो मैंने आके देखा तो बिल्कुल नेचुरल सी बात, हो गायब हो चुका है वो। तो ये तो मतलब घटना किसी स्थायी निवासी की होगी या तो बाहर का कोई बंदा तो आ नहीं सकता चोरी करने के लिए। अब इस चीज़ के लिए मैं प्रशासन से यही गुहार करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो भी थोड़ा लापरवाह है। हमने उनको पहले कॉल करते हैं, उनको बोलते तो वो बोलते हैं ठीक है सर कर लेंगे, वो चेकिंग करते नहीं है। अगर ये प्रशासन अगर इस चीज़ के बारे में सोचते तो शायद आज ये चोरियाँ नहीं होती, आज मेरी गाड़ी सेफ होती। अगर इसके बारे में अगर एस्टिमेट लिया जाए तो मतलब 15,000 के आसपास जो है इसका सामान जो है चोरी हो चुका है, 15,000 के करीब। हाँ, तो अब मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होगी या पुलिस प्रशासन? चलो इंश्योरेंस वाले तो कर ही लेंगे, लेकिन उसी ही बेस में अगर कल के लिए किसी गाड़ी का तेल चोरी होता है, टायर चोरी होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जी, आपसे मेरी यही है कि मतलब हो सके तो मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ मतलब प्रशासन से या सरकार से मतलब इसके बारे में विचार किए जाए, ताकि हमें मतलब आने वाली पब्लिक को मतलब दिक्कत ना हो। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से साईशा सूद की रिपोर्ट।